पत्ते नहीं तोड़ सकते एहराम की हालत में, वरना दम आ जाएगा। जोर से खुजालना नहीं, एहराम बांध लिया ना आप, एहराम बांधने के बाद जोर से अगर हमने ऐसा खुजाला है जिससे हमारे बदन के बाल गिरे, अब हमको तो एहसास तो नहीं होगा कि यार मेरे बदन के बाल गिरे, लेकिन क्या होता है उससे दम ला दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एहराम के अंदर कुछ नहीं किया, एहराम रख पाबंदी लगने के बाद कुछ कुछ सामान नहीं करना, उससे पहले आप कर सकते हो, उसके बाद ऐसा जूता मर्द नहीं पहन सकते जिससे ये हड्डी ढकी हुई, ऐसा जूता मर्द नहीं पहन सकते जिससे ऊपर की जो उंगली की हड्डी है वो ढकी हुई, मर्द की ऊपर की हड्डी ऊँची होना चाहिए, लेडीज छोटे जूतों के साथ ले सकते हो, मर्द दो चादरों के अंदर नहीं, यानी वो भी बगैर सिले हुए दो चादर, अगर कोई ऐसे बूढ़े इंसान हो तो जिनको थोड़ा सा तकलीफ होती हो कि यार देना चाहिए उसको बेअदबी हो जाए, तो वो थोड़ा सा सिलाई छुट्टी करने लगा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेडीज़ का चेहरा खुला हुआ रहेगा, उसके अंदर भी अगर जो मसला ये है कि अगर कोई पर्दे वाली बहन होती है तो उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि भाई एक टेप ऐसी लगा लो और उसके ऊपर लगा लो ताकि आपके गाल के ऊपर कपड़ा नहीं लगे, अगर गाल पर कपड़ा लगा एहराम की हालत में, मतलब भूल से लगा तो कोई बात नहीं,